हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस प्रकार अपने बालों को लंबा और घना बना सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरी ये वीडियो या आपको मेरी ये जानकारी पसंद आए तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल मोटे, घने और लंबे हो तो आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय करना होगा जिसकी मदद से आप अपने बालों को घना बना सकती है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा कौन सा उपाय है जिसकी मदद से आप अपने बालों को मोटा और घना बना सकती हो। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस कटोरी में सरसों का तेल लिया है। सरसों का तेल आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। अब आपको इसमें इतनी मात्रा में लहसुन की कलियां लेनी है, ये देख लीजिए। अब आपको करना क्या है, आपको इन लहसुन की कलियों को इस प्रकार से इसके अंदर डाल देना है। आप चाहे तो काट कर भी डाल सकते हैं और बिना काटे भी डाल सकते हैं। तब मैं इनको काट लेती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने तेल के अंदर लहसुन की गलियां काट कर डाल दी है। अब आपको इन सबको आपको इनको थोड़ा सा इस तेल को थोड़ा सा गर्म करना है, थोड़ा सा इन लहसुन को भुनना है। जैसे आप सब्जी बनाते हैं और तेल में लहसुन डालते हैं और भुनते हैं, उसी प्रकार आपको इसको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। आपको जब ये तेल अच्छे से गर्म हो जाए और फिर उसके बाद में आप इनको निकाल लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये थोड़े इनको सिर्फ आपको ब्राउन करने हैं, अगर ये काले भी हो जाते हैं या जल भी जाते हैं तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको उसके बाद में जब ये ठंडा हो जाए तो आपको इसको एक बोतल में भरना है। तो आप इस प्रकार एक बोतल में, खाली बोतल में भर लें ठंडा होने के बाद में। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने इसको एक खाली बोतल में भर लिया है। अब आप सप्ताह में दो बार अपने सर पे इसकी मालिश करें। आपको सप्ताह में दो बार करना है, फिर आप देखना कि कुछ ही हफ्तों में आपके बाल काले, घने और मोटे हो जाएंगे। इस उपाय को आप जरूर करके देखें क्योंकि ये आजमाया हुआ घरेलू उपाय है। लहसुन आपके बालों को मोटा और काला बनाने में आपकी बहुत मदद करेगा। एक बार इस उपाय को करके जरूर देखना। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी इस वीडियो को एक लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।